हेलो दोस्तों, इस चैनल में आप सबका एक बार फिर से स्वागत है। और जैसा कि हम लोग डेबिट का कोर्स कर रहे हैं, डेबिट के बारे में सीख रहे हैं, तो आज इस वीडियो में हम देखेंगे लेबल क्रिएटिंग के बारे में कि रेबिट में लेबल को कैसे क्रिएट करते हैं, लेबल को लाइन से और पिक लाइन से कैसे क्रिएट किया जाता है उसके बारे में हम देखेंगे। तो जैसा कि आप देख रहे हैं इस प्रोजेक्ट ब्राउजर में, ये प्रोजेक्ट ब्राउज़र में आपको एलिवेशन शो कर रहा है, ईस्ट, नॉर्थ, साउथ, वेस्ट। सो यही एलिवेशन हमारे लेवल को शो करते हैं। तो लेवल को शो करने के लिए जैसे हम ईस्ट पे क्लिक करते हैं, जैसे जैसे आप ईस्ट पे क्लिक करेंगे वन एलिवेशन पे, आपको ये प्रोजेक्ट सेव करने के लिए एक पॉपअप आ गया है। अभी फिलहाल हमें इस प्रोजेक्ट को सेव नहीं करना है, तो हम इसको कैंसिल कर देते हैं। तो जैसा कि आप देख रहे हैं यहाँ पे हमें दो लेवल मिल गया है, लेवल 1 और लेवल 2, जो कि रेडीमेड लेवल है रेबिट के तरफ से। तो इस लेवल पे आप जैसा कि देख रहे हैं 0-0 लेवल है, ये 0 mm पे, जो कि ग्राउंड फ्लोर है। तो यहाँ पे हम ग्राउंड फ्लोर क्रिएट कर सकते हैं और लेवल 2 पे हम फर्स्ट फ्लोर क्रिएट कर सकते हैं। तो एक बात याद रखिए, आप जैसे कोई वॉल ड्रॉ करेंगे तो वो वॉल हमारा लेवल 1 और लेवल 2 के बीच में ड्रॉ होगा। तो वॉल का बेस होगा लेवल 1 पे और उसका टॉप होगा लेवल 2 पे। सो जैसे आप किसी एक लेवल पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आपको एक टेम्परेरी डायमेंशन डिक शो कर रहा है। सो इस टेम्परेरी डायमेंशन पे आप क्लिक करके इस लेवल के हाइट को चेंज कर सकते हैं। हमें मान लीजिए कि मुझे 3000 का चाहिए, मैं 3000 करके एंटर क्लिक करूंगा तो ये 3000 पे आ गया। तो आप इसको डायमेंशन एलाइन डायमेंशन डी क्लिक करके भी आप इसका डायमेंशन चेक कर सकते हैं। जैसे कि अभी 3000 शो कर रहा है, तो वैसे ही आप यहाँ पे क्लिक करके किसी एक डायमेंशन लाइन पे, किसी एक लेवल लाइन पे क्लिक करके आप इसके डायमेंशन को चेंज कर सकते हैं टेम्परेरी डायमेंशन को यूज करके। सो अगर आपको ग्राउंड फ्लोर और फर्स्ट फ्लोर एक ही लेवल क्रिएट करना है तो आप लेवल 1 और लेवल 2 का यूज कर सकते हैं। अगर आपको बहुत सारे लेवल बनाने हैं, बहुत सारे फ्लोर बनाने हैं, जैसे मुझे ग्राउंड फ्लोर से लेके 10 फ्लोर बनाना है, तो हमें बहुत सारे लेवल क्रिएट करने पड़ेंगे। तो लेवल क्रिएट करने के लिए आपको जाना है आर्किटेक्चर टैब में। आर्किटेक्चर टैब में जाने के बाद आपको ये डेटम दिख रहा है, डेटम में लेबल और ग्रिड शो कर रहा है। सो ग्रिड का हम यूज करते हैं प्लान व्यू में, प्लान क्रिएट करने के लिए, जहाँ पे हम कॉलम वगैरह उसमें सेट बैठाते हैं। लेकिन अभी हम लेबल के बारे में पढ़ रहे हैं तो लेबल मैं बताऊँगा। तो लेबल के लिए शॉर्टकट है LL। अगर LL अगर आप अपने कीबोर्ड से अगर आप इस पे क्लिक करते हैं तो भी ये लेबल शो होगा। लेबल क्रिएट करने का अगर LL शो करते हैं तो भी लेबल कमांड आपका एक्टिव हो जाएगा। तो जैसे ही आप लेबल कमांड पे इस पे आप क्लिक करते हैं, आपका ये एक ग्रीन कलर का शो होने लगा और आप चले गए मॉडिफाई में। मॉडिफाई में जैसे यहाँ पे दिखा रहा है मॉडिफाई एंड प्लेस लेबल, तो मॉडिफाई प्लेस लेबल में जैसा कि आप देख रहे हैं लेबल से रिलेटेड आपको कई ऑप्शन मिल गए, जैसे मेक ए प्लान व्यू, मेक प्लान व्यू और प्लान व्यू टाइप्स एंड ऑफसेट का। तो अच्छा ही अगर आपको ये दिख रहा है आपको लाइन और पिक लाइन, तो हम अभी देखते हैं लाइन से कैसे ड्रॉ करते हैं। तो लाइन से ड्रॉ करने के लिए आपको जाना है लेवल पे। तो जैसे आप वहाँ पे जाएंगे आपको ये एक दो चीज़ें शो हो रही हैं, एक तो आपका ट्रैकिंग लाइन शो हो रहा है ताकि एकदम एक लाइन बने, सीधा बने आपका लेवल, और आपको एक और चीज़ शो हो रहा है वो है टेम्पररी डायमेंशन। टेम्पररी डायमेंशन शो हो रहा है मतलब इस फ्लोर से हमें जो लेवल चाहिए वो मान लीजिए कि हमें 4000 mm पे चाहिए, 4 मीटर का। तो मैं 4 मीटर पे यहाँ पे क्लिक करूँगा और मैं राइट साइड में जाऊँगा। राइट साइड में जाने के बाद अब मुझे कहाँ क्लिक करना है, जैसे मैं आगे बढ़ता रहूँगा मुझे एक ट्रैकिंग लाइन मिल जाएगा। अब इस ट्रैकिंग लाइन पे मैं जाके वहाँ पे क्लिक कर दूंगा तो मुझे लेवल 3 मिल गया। और यहाँ पे जैसा कि आप प्रोजेक्ट ब्राउजर में भी देख रहे हैं, आप यहाँ पे लेवल 3 ऐड हो गया है।
सेम ऐसे ही एक और लेवल बनाना है मुझे, 3.5 मीटर का, तो मैं यहाँ पे क्लिक करूँगा और मैं सेम ट्रैकिंग लाइन, दोनों का ट्रैकिंग लाइन मिल गया मुझे, मैं वहाँ पे क्लिक कर दूँगा। लेकिन यहाँ पर ट्रैकिंग लाइन पे नहीं बना है मेरा लेवल, तो जैसा कि आप यहाँ पे एक सर्कुलर पॉइंट मिल रहा है, इस पॉइंट पे आप क्लिक करके लेफ्ट साइड में जैसे जाइएगा आपको एक ट्रैकिंग लाइन मिल गया, तो वहाँ पे आप उसको छोड़ सकते हैं। तो जैसा आपको ये सर्कुलर मिल रहा है, डायमेंशन लेवल शो कर रहा है, वैसे ही जैसे इस लेवल लाइन पे आप क्लिक करेंगे, अगर आपको ये सर्कुलर नहीं चाहिए राइट साइड में, अगर आपको इस साइड में चाहिए तो उस लेवल पे क्लिक करके आप इस यहाँ पे क्लिक कर सकते हैं शो बबल, इसको बबल बोलते हैं। तो हमें वो बबल लेफ्ट साइड में चाहिए, तो हम इसे चेक मार्क कर सकते हैं, तो लेवल हमारा बबल हमारा लेफ्ट में शो करेगा। सेम ऐसे ही बबल हमें मुझे राइट साइड में नहीं चाहिए, तो इसे अनचेक कर देंगे। तो ये तो हो गया लाइन से कैसे क्रिएट करते हैं। अब आते हैं इसका दूसरा मेथड, देखते हैं कि आप पिक लाइन से कैसे लेवल को क्रिएट कर सकते हो। तो पिक लाइन से लेवल को क्रिएट करने के लिए आर्किटेक्चर टैब में जाना है, लेवल पे जाना है, या फिर अपने कीबोर्ड से LL शॉर्टकट क्लिक करना है। उसके बाद आपको यहाँ पे पिक लाइन सेलेक्ट करना है। पिक लाइन सेलेक्ट करने के बाद आपको ऑफसेट देना है यहाँ पे। फॉर एग्जांपल मुझे चाहिए 4000 mm का एक लेवल चाहिए, जो फ्लोर टू फ्लोर डिस्टेंस होता है। नॉर्मली क्या होता है कि हम 3000 का ही फ्लोर हाइट होता है 3 मीटर का। तो जैसे आप अपने कर्सर को लेके जाएंगे उस लेवल पे ले जाने के बाद, अगर आपको ऊपर लेवल ड्रॉ करना है, तो आप ऊपर से कर्सर को लेके आएंगे, तो आपको ये ट्रैकिंग शो हो रहा है कि आपका लेवल ऊपर की तरफ ड्रॉ होगा। तो आप इस लेवल पे ऐसे ऊपर से लाके इसको क्लिक कर दीजिए, तो एक लेवल और मेरा बन गया लेवल 6। फिर मुझे एक और लेवल बनाना है 6 लेवल, तो मैं ऊपर से आऊँगा यहाँ पे क्लिक कर दूंगा, लेवल 6 बन गया। सेम ऐसे ऊपर से लेवल, अगर आप अपने कर्सर को अगर नीचे से लेके जाते हैं, अगर नीचे लेवल ड्रॉ करना है, तो ये नीचे एक ट्रैकिंग लाइन शो हो रहा है आपका कि यहाँ पे आपका लेवल बनेगा। तो मैं क्लिक कर दिया, मेरा लेवल 8 यहाँ पे बन गया। सेम वैसे ही एक और लेवल मुझे नीचे की तरफ क्रिएट करना है, तो मैं इस लेवल पे नीचे की तरफ से जाके मैं क्लिक कर दूंगा, तो एक और लेवल बन गया। तो लेवल बनाते वक्त आपको एक और चीज़ का ध्यान रखना है कि ये प्लान व्यू पे चेक मार्क होना चाहिए। अगर प्लान व्यू पे अगर चेक मार्क नहीं रखते हैं, तो जैसे आप लेवल क्रिएट करेंगे, वो आपका प्रोजेक्ट ब्राउजर में शो नहीं करेगा। जैसा कि मैं यहाँ पे अनचेक कर देता हूँ और मैं एक लेवल यहाँ पे क्रिएट करता हूँ पिक लाइन से, ये लेवल मुझे लेवल 10 बन गया, लेकिन यहाँ पे प्रोजेक्ट ब्राउजर में वो लेवल शो नहीं किया। तो अगर आपको कभी लेवल बनाना है लेकिन आपको प्लान में शो नहीं करना है, तो इसको अनचेक कर सकते हैं। इसको नॉर्मली हमेशा चेक मार्क ही रखना चाहिए, ताकि आपका फ्लोर प्लान भी क्रिएट हो जाए। सेम ऐसे ही लेवल मैं 11 क्रिएट करता हूँ, जैसे मैंने लेवल 11 क्रिएट किया, वो यहाँ पे प्रोजेक्ट ब्राउजर में ऐड हो गया। तो यहाँ पे आपको प्रॉपर्टीज भी शो कर रहा है। प्रॉपर्टीज में आप यहाँ से जैसे अभी 8 mm का हेड शो कर रहा है, आप इसे हेड को चेंज भी कर सकते हैं एडिट टाइप में जाके, ये सब हम बाद में देखेंगे इसके बारे में। अभी हम देख रहे थे लेवल क्रिएट कैसे करते हैं, तो आई होप आपको लेवल क्रिएट करना आ गया होगा, पिक लाइन और यूजिंग लाइन और ऑफसेट कैसे करते हैं, ऑफसेट कैसे देते हैं लेवल के लिए। तो इस वीडियो में हमने देखा लेवल क्रिएट कैसे करते हैं, नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे लेवल मॉडिफिकेशन के बारे में, लेवल को कैसे मॉडिफाई कर सकते हैं, इसके डिटेल के बारे में। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।